एक मुसाफिर के सफर जैसी है सबकी दुनिया, कोई जल्दी में कोई देर में जाने वाला। क्यों तो सभी को जाना है, कोई पहले चले गए कोई बाद में। शंकर जी का हम सबके बीच में से यूं चला जाना, जबकि 10 दिन पहले ही मुझसे आके मिले और कहने लगे कि वो लंदन के कुछ स्पॉन्सर्स हैं जो चाहते हैं कि आरके और अन्य और संगीत जो उन्होंने बनाए हैं उनका एक वहां पर अल्बर्ट हॉल में शो किया जाए और चाह रहे थे कि मैं उसका उद्घाटन करूं, उसको प्रेजेंट करूं। तो मैंने कहा इसमें इससे और क्या खुशी हो सकती है कि आज तक आपका काम इस कदर लोकप्रिय है, लोगों के दिलो दिमाग में बसा हुआ है कि भूले से नहीं भुलाए जाते वो गीत आपके। बड़े खुश हुए और कहने लगे कि बस ठीक है, आप बता दीजिए कि आप कब कब हम लोग तैयारी कर लें। वो मैंने कहा बस तैयारी है, गीत आपके होठों पर है और मुझे जो कहना है आपके बारे में मैं कहूंगा। क्या पता था कि आज ये कहना होगा कि शंकर जी नहीं है लेकिन उनके गीत हैं, उनका संगीत है। शंकर जी का मुझे अब भी याद है, इनका एक मुखड़ा था जो मुझे टीन के डब्बे पे बजा के सुनाते थे कि अम्बुआ का पेड़ है वही मुंडेर है, आजा मोरे बालमा अब काहे देर है। हमें बहुत पसंद आता था, रखा रहा वक्त पे। जब बरसात बनाना चाह रहा था मैं तो हसरत अचानक, वो भी इसी तरह ही जैसे जिंदगी की राह पर चलने वालों को मिल जाते हैं साथी, तो हसरत भी साथ आ लिए और उन्होंने वही गाने को जो पहला गाना शंकर जी ने एक संगीतकार की सेहत से बनाया और उसे रिकॉर्ड किया और लता जी ने गाया।